भरत मेघवाल जी, शर्मा जी, ओम प्रक उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, किसान भाइयों, प्यारे बच्चों, माताओं और बहनों और सभी अधिकारीगण, मैं इस हनुमानगढ़ की धरती पर राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मान्य अशोक जी गहलोत साहब का यहाँ के किसानों की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आप सभी को मालूम है पिछले कई महीनों से राजस्थान में ग्रामीण ओलंपिक खेल चल रहे हैं। आज जिला स्तरीय टूर्नामेंट हनुमानगढ़ की धरती पे खेला जा रहा है। आप सभी को मालूम है कि खेलों के माध्यम से हमारी नौजवान पीढ़ी को तरासने का काम राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने, जो उनकी मंशा थी कि आने वाले समय में ओलंपिक हो, एशियाड गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, नेशनल गेम्स हो या स्टेट के टूर्नामेंट हो, हमारी ग्रामीण क्षेत्र के जो नौजवान साथी हैं, बालक और बालिका हैं, उनको तराशने का काम राजस्थान सरकार ने किया। उसका अलग से बजट रखा गया। आने वाले समय में ये खेलकूद प्रतियोगिता, ये ओलंपिक खेल शहरों में भी रखे जाएंगे नवंबर और दिसंबर के महीने में। आप सभी को मालूम है कि भारत दुनिया में बहुत बड़ी आबादी वाला देश है, नौजवानों की संख्या ज़्यादा है, पर आज भी ओलंपिक चाहे कॉमनवेल्थ गेम हो, उसकी तालिका में हम काफ़ी पीछे रहते हैं। मुख्यमंत्री जी के मन में एक पीड़ा थी कि राजस्थान में जो नौजवान पीढ़ी है, जिसको खेल के माध्यम से और शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो सबसे पहले पहल करके ग्रामीण खेल कूद ओलंपिक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। मैं इस बात को मान के चलता हूं कि जिस प्रकार का माहौल पूरे राजस्थान में पिछले कई दिनों से ग्रामीण क्षेत्रों में बना हुआ है, हमारे बुजुर्ग लोग, हमारी माताएं और बहनें बढ़ चढ़कर अपने नौजवान बच्चों को खेलों में, प्रतियोगिताओं में भाग लेकर उनका उत्साहवर्धन कर रही है। जहाँ जहाँ भी मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, भारी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र के लोग बच्चों का उत्साहवर्धन करते हैं। अभी हम बीकानेर में कबड्डी का मैच बालिकाओं का देख के आए थे, काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं वहाँ उपस्थित थी। मैं साथियों निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि आने वाले समय में हमारे खेल के क्षेत्र में राजस्थान की नौजवान पीढ़ी आगे बढ़े, पदक प्राप्त करे। आपने 2% नौकरियों के अंदर सरकारी नौकरी में खेल कोटा भी रखा है। यहाँ बलवान पूनिया जी, भाई अमित चाचान जी मौजूद हैं। आपको पता है कि विधानसभा में जिस प्रकार के खेलों के बारे में घोषणा की गई, मुख्यमंत्री जी उनको आगे बढ़ा रहे हैं, स्वयं खुद हर जिले के अंदर जाकर खेल प्रतिभाओं को तराशने का काम कर रहे हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ आपको इतना ही आश्वस्त करता हूँ कि हनुमानगढ़ का जिला, गंगानगर का जिला, जो कृषि और सिंचाई क्षेत्र में काफ़ी आगे है। अब बलवान जी कहेंगे कि प्रधानमंत्री योजना फसल बीमा की तो बात करी नहीं, सबसे ज़्यादा पैसा और देश के अंदर हम दूसरे नंबर पे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हैं। लगभग 16,000 करोड़ रुपए का योगदान प्रधानमंत्री फसल बीमा का राजस्थान सरकार ने रखा है। आपकी कुछ मांगे मुझे मालूम है कृषि के क्षेत्र में, बलवान पूनिया जी और अमित चाचान जी और यहाँ के विधायक साथी विनोद जी उठाते रहते हैं कि कुछ जो मुद्दे हैं फसल बीमा के, वो भारत सरकार में है, राजस्थान सरकार पूरी पैरवी कर रही है। जो भी पैसा बाकी है आने वाले कुछ ही दिनों में आपको मिलेंगे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 400 करोड़ रुपए की एकमुश्त राशि फसल बीमा योजना में दी है। भारत सरकार का शेयर जैसे मिलेगा वो गाँव में बंटना चालू हो जाएगा। मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि थोड़ी गर्मी जरूर है पर अधिक संख्या में आप पधारे हैं बच्चों का उत्साह करने के लिए। यही बात कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, राम राम साहब।